हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो? आई होप सभी बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल जे वाई एडिट्स। आज मैं आपके लिए न्यू स्पाइडर फोटो एडिटिंग का ट्यूटोरियल लेके आ चुका हूँ। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप फॉलो कर सकते हो। एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी हमारे न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये फोटो ले लेंगे। ये विजय मेहर की फोटो है। इसका बैकग्राउंड, जो व्हाइट बैकग्राउंड पीछे आपको बैकग्राउंड दिख रहा है, उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितने भी हम बैकग्राउंड एम पीएनजी और इस वीडियो में यूज़ करेंगे, उन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एंड वहाँ पे एक्स्ट्रा बैकग्राउंड भी आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एक्स्ट्रा टॉप CBSD बैकग्राउंड या टॉप विजुअल आपको कुछ भी चाहिए, या तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं आपको कौन कौन से बैकग्राउंड चाहिए। उन सभी का लिंक मैं आपको दे दूंगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। नहीं तो मेरी साइट का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो जाके। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले फोटो ले लेंगे। इसको करने के बाद फिर आपको जाना है ऐड फोटो में, एंड फिर आपको यहाँ पे स्पाइडर PNG ले लेना है। ये रहा हमारा स्पाइडर PNG। इसको लेने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे यहाँ पे सेट अपने आइज के नीचे। एंड फिर आपको इरेजर टूल्स पे जाना है, एंड फिर आपको इरेजर के आइकन की हार्डनेस को कम एंड ऑपेसिटी को भी कम कर देना है। एंड फिर साइड साइड से इसको हल्का हल्का इरेज कर लेना है, ताकि हमारे फेस से मैच हो जाए, ताकि बिल्कुल रियल लगने लगे स्पाइडर। इसको करने के बाद देखो ये हो चुका है बस। इसको करने के बाद फिर कर देंगे राइट क्लिक, एंड राइट क्लिक करने के बाद फिर इसी का ये आपको डुप्लीकेट ले लेना है, एंड फिर इसको यहाँ पे दूसरी आईज के नीचे इसको सेट कर लेना है। इसको भी हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। करने के बाद फिर कर देना है इसी का ही फिर से एक और डुप्लीकेट लेना है, और एक आपको यहाँ पे अपने हैंड्स पे सेट कर लेना है। सेट करने के बाद फिर कर देना है राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद फिर अब आपको जाना है FX इफेक्ट में, और फिर यहाँ पे आपको FX में ही जाना है, और फिर यहाँ पे आपको दिखेगा एक इफेक्ट। देखो यहाँ पे, अरे कहाँ गया, ये रहा ICY3 सेलेक्ट कर लेना है। इसको करने के बाद अब देखो यार, हमारी फोटो में थोड़ा अलग सा ही चमक एंड ग्लो दिखने लग गया, मतलब बिल्कुल रियल सा, मतलब अलग सा इफेक्ट है ये, मतलब मस्त लग रहा है बिल्कुल। एंड फिर इसको करने के बाद फिर आपको जाना है ऐड फोटो में, एंड फिर आपको आईज PNG ले लेना है। ये रहा फायर आई PNG है ये। इसको हम कर लेंगे अपनी आईज में सेट, ताकि और भी मस्त लगने लगे। इरेजर के आइकन पे जाएंगे और इसको कर लेंगे ऊपर से हम इरेज। इसको अच्छे तरीके से हल्का हल्का इरेज कर लेना है। इसको इरेज करने के बाद फिर कर देना राइट क्लिक, एंड फिर इसको थोड़ा अच्छी तरीके से हम कर लेंगे यहाँ पे सेट। सेट करने के बाद थोड़ा सा इरेजर टूल्स पे जाएंगे, इसको नीचे से भी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का इरेज कर लेंगे, एंड साइड से भी इसको हल्का हल्का आपको इरेज कर लेना है, ताकि हमारी आईज से ही मैच हो जाए। एंड फिर कर देंगे राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद फिर आपको इसी का ही डुप्लीकेट ले लेना है। इसको करने के डुप्लीकेट लेने के बाद फिर इसको हम यहाँ पे इसको यहाँ पे सेट कर लेंगे, और फिर इसी में ही आपको इरेजर टूल्स में जाना है, और फिर इसको यहाँ से थोड़ा नीचे से और साइड से इसको इरेज कर लेना है, ताकि ये भी हमारे बिल्कुल रियल लगने लगे। अब देखो यार कितने मस्त लग रही है यार हमारी आईज। एंड फिर कर देंगे राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद अब आपको जाना है ऐड फोटो में, एंड फिर आपको ले लेना है यहाँ पे ये PNG, और इसको हम कर लेंगे यहाँ पे सेट। और फिर इसी में ही आपको ब्लेंडिंग मोड में जाना है, और आपको कर देना है स्क्रीन पे, एंड फिर आपको कर लेना है जूम आउट, एंड फिर कर देंगे राइट क्लिक। अब देखो यार साइड से नीचे से थोड़ा ग्लो दिखने लग गया है। इसको करने के बाद फिर आपको जाना है, अब आप ये सोचोगे यार क्या कर दिया, मतलब फेस पे थोड़ा वैसा अलग इफेक्ट सा दिख रहा है इसका। अभी हम कलर ग्रेडिंग करेंगे जो लाइट रूम ऐप से, उसको हम सही हो जाएगा वहाँ से। अभी देखते जाओ यार क्या मस्त बन जाएगी। इस PNG को ले लेंगे, फायर फ्लेम्स PNG, फायर स्पार्क PNG है ये। इसको हम जाएंगे स्क्रीन पे कर देंगे, इसको भी हम स्क्रीन पे करने के बाद फिर आपको कर देना है राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद अब आपको टूल्स में जाना है, एंड फिर एडजस्ट में, फिर आपको क्लैरिटी को बढ़ा देना है, एंड कॉन्ट्रास्ट को भी बढ़ा देना है, एंड फिर आपको कर देना है राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद अब आपको जाना है ड्रा टूल्स में, एंड इमेज को कर लेना है सेव। सेव करने के बाद फिर आपको लाइट रूम ऐप ओपन कर लेनी है। जो भी हम कलर ग्रेडिंग करेंगे ना यार, इससे ही होगी, जो भी हमारी फोटो HD एंड मस्त लगने लगेगी इससे हम करेंगे जो भी। अगर यार लाइक नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन, आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो। एंड कमेंट करके बता सकते हो आपको वीडियो कैसी लगी। इसमें हम कॉन्ट्रास्ट को कर देंगे हाई, एंड हाईलाइट को कर देंगे माइनस में, शैडो को थोड़ा सा माइनस में कर देंगे, वाइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, एंड ब्लैक्स को माइनस में, एंड फिर आपको यहाँ पे सैचुरेशन को कर देना है थोड़ा सा माइनस में करना है आपको,
8 तक एंड वाइब्रेंस को थोड़ा सा बढ़ा देना है। इसको करने के बाद फिर आपको क्लैरिटी को बढ़ा देना है एंड डीएज को, क्लैरिटी को थोड़ा सा बढ़ाना है एंड फिर आपको यहाँ पे शार्पनिंग को बढ़ा देना है 104 तक एंड नॉइज रिडक्शन को 47, थोड़ा सा माइनस में कर देंगे, थोड़ा सा यार इफेक्ट ज़्यादा ही दिख रहा है इसका। इसको करने के बाद अब देखो यार पिक कितनी मस्त लग रही है यार, दासू एक नंबर की यार, क्या बोलते हैं इसको यार, कितनी मस्त लग रही है, बहुत अच्छी। देखो कितना मस्त ग्लो दिख रहा है, स्पार्किंग का सब कुछ मतलब मस्त। अगर आपको यार वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलेगा, इंस्टाग्राम पर यार फॉलो नहीं का तो फॉलो कर लीजिए एंड जो घंटा होता है ना सब्सक्राइब के साइड में वो सब्सक्राइब करके एंड वो घंटा जरूर दबा देना, उसे हम बोलते हैं इंग्लिश में बेल आइकन जैसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।